नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा डिसेंट यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज हम लोग करेंगे 14th अक्टूबर की मेजर करंट अफेयर्स की हाईलाइट्स, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में। और इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डेली का वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करने पर पहले देखो, लास्ट वीडियो में जो क्विज़ पूछा गया था वो था रंजन गोगोई जी हैं कितने जो है चीफ जस्टिस बने हैं, तो दैट इज़ 46th। ठीक है, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है, देखो, हुई स्टेट हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द यूनाइटेड नेशन सपोर्टेड फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड, किसको मिला है? तो ये मिला है सिक्किम को। ऑन व्हाट डेट इज इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे सेलिब्रेट होता है? तो ये जो होता है आपका अक्टूबर 13 को। और इस बार का थीम क्या था? रिड्यूसिंग डिजास्टर इकोनॉमिक लॉसेस। हु हैज़ अवॉर्डेड द न्यू एकेडमी अवार्ड 2018 फॉर लिटरेचर, जिसको ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं? तो ये मिला है आपका सी मार्से कॉन्डे को। हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज अ न्यू मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC? तो ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, इंडिया को मिला है ये। और सबसे मैक्सिमम वोट्स मिलने के बाद इंडिया अपॉइंट हुआ है। सेकेंड वोट काउंट करोगे तो फिजी को, और थर्ड में बांग्लादेश को मिला है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज गिवेन कौन से रिलीजन के वोमेन को फ्रीडम टू वेयर हेलमेट्स, हिंदू, सिख या क्रिश्चियन? तो ये दिया गया है सिख को। हु गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड 100 मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी रिलीज बाई रूटर्स ऑर्गेनाइजेशन? तो ये मिला है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को। रिसेंटली इंडिया ऑर्गेनाइज द 5th मीटिंग ऑफ कमीशन इन न्यू दिल्ली टू इंक्रीज बायलेटरल ट्रेड रिलेशन विथ व्हिच कंट्री? कौन से कंट्री के साथ? तो ये जो हुआ है अजरबैजान के साथ हुआ है। रिसेंटली अन्नपूर्णा देवी पास्ट अवे, वो किससे रिलेटेड थे? म्यूजिक, म्यूजिक होगा वो। लिटरेचर, पेंटिंग, तो वो म्यूजिक से थे। ठीक है, व्हिच इंडियन हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ काठमांडू नेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए? तो ये जो साइन हुआ है स्टेट बैंक ने किया है। और हाउ मच बजट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रोमोटिंग द फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री एंड इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट के लिए? मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा जो है बजट अपॉइंट किया है? तो दैट इज 2600 करोड़। और आज का क्विज जरूर देख लो। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ फ्लैग बेरियर, ठीक है, फ्लैग बेरियर फॉर इंडियन टीम 3rd ओलंपिक गेम्स के लिए? तो ये किसको किया गया है आप जरूर मुझे कॉमेंट करके बता देना। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।